दोस्तों मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक लेथ मशीन का गेयर बॉक्स है जो सभी स्लाइडों को चलाता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई और एक दो पार्ट हैं उसके चेंज करने थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ी इंपोर्टेड जो खराद है, लेथ मशीन खराद भी कह देते हैं, लेथ मशीन भी कह देते हैं, तो इसके दो तो गेयर ख़राब हो गए थे और उनको चेंज किया हमने, और एक गेयर इसका लग नहीं रहा जिसे हम चाल लगाते हैं और जो टर्निंग करने के लिए जहाँ स्लाइडिंग आगे पीछे करने के लिए, तो वो थोड़ा दिक्कत कर रहा था। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या दिक्कत आई और किस तरह से हम इसको रिपेयर करेंगे। अभी हमने ये गरारी इसके अंदर लगा दी है, तो बड़े वाली इसका जो गियर था वो ख़राब हो गया था और इतने इसके अंदर बैरिंग वगैरह लगते हैं सारे, और ये वाली गरारी है यहाँ पर लगी हुई है, दोनों गरारी हमने चेंज की हैं। तो इसको चेंज करने के बाद जब हम चला रहे थे तो इसको, तो जो आपको तीन गरारियाँ ये आगे दिखाई दे रही हैं सेंटर में, तो इनके साथ एक का गियर नहीं इसके साथ लग रहा था। अंदर से बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, लेकिन जब भी हम उसको लगाने की कोशिश कर रहे थे तो जो गियर है वो गरारी के साथ मैच नहीं हो रहा था। एक साइड लग रहा है लेकिन दूसरी साइड जा नहीं रहा था, और इसके अंदर कुछ फंसा भी नहीं था। वो काफ़ी हमने मशक्क़त के बाद इसके अंदर मतलब जो फॉल्ट था वो ढूंढ लिया, तो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या फॉल्ट पड़ा इसके अंदर। जैसे ही हम इसको चला रहे हैं तो, क्योंकि हमने दो गरारी इसके अंदर नहीं डाली थी, उनकी थोड़ी पिच भी बैठ नहीं रही थी, क्योंकि थोड़ी जब हम कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं तो उसकी सेटिंग आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी देखिए ये गियर लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो बाहर की गरारी है दूसरी साइड लगी वो थोड़ा दिक्कत कर रही थी इसको अंदर जाने के लिए, और जो इसके लीवर को हम अप डाउन कर रहे हैं और नीचे से इसके यू बना हुआ है वो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ा नीचे है जाके गियर के, तो वो थोड़ा दिक्कत कर रहा था, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था जिसकी वजह से ये गियर लग नहीं रहा था। और इसमें ये देखिए फंक्शन, जैसे हम उधर से लीवर चला रहे हैं तो इस तरह से ये पिन थोड़ा बाहर आएगी, और बाहर आने के बाद ये देखिए बाहर से जो जब ऑटो में जब चलेगी तो इस तरह से ये गरारी है जो ये सारे मैकेनिज्म को चलाएगी, तो इसमें थोड़ा दिक्कत कर रही थी। तो चलो वो गरारी भी हमारी ख़राब थी तो उसको भी हमने चेंज कर दिया ये वाली। इसके अंदर बैरिंग लगे हैं, थर्श बैरिंग है, और जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे एक नेडल बैरिंग है जिसके अंदर ये घूम रही है, तो वो गियर की बैरिंग है जो भी चेंज की है हमने। अभी देखिए इसकी पिच भी पूरी मैच हो गई, क्योंकि इसकी सेटिंग होती है, अगर आप थोड़ा आगे या पीछे जाके थोड़ा फिट कर देंगे इसको तो इसको टाइट कर लेगी, जिसमें चलने में दिक्कत करेगी, तो इसकी सेटिंग करना थोड़ा ज़रूरी है। तो जब भी आप खोलें तो इसको ज़रूर आप एक बार चेक कर लें। अभी हमारा गियर जो है शिफ्ट भी हो रहा है और लग भी रहा है, और यहाँ पे ये सारा सिस्टम फिट होगा, और ये वाली गियर है जो हमने ऊपर का चेंज किया, ये वन पीस ही है, इसके अंदर ही दांते कटे हुए हैं, और ये दूसरा पीस है जो इसके अंदर यहाँ पर लगता है, इसके अंदर नीडल वायरिंग है। और इसके दोस्तों ये हैक्स ख़राब हो गए थे, और हैक्स ख़राब होने के कारण जो इसके अंदर रॉड लगी होती है वो रॉड भी घिस गई थी, और इसके चलते चलते हैक्स भी घिस गए थे। तो अभी हमने नई गरारी लगाई है, देखिए हैक्स भी बिल्कुल एक्यूरेट हैं पूरे, तो ये वाली रॉड है जिसके अंदर ये अप डाउन चलेगी, और इससे हम इसको रिवर्स और फॉरवर्ड करेंगे, इसके ऊपर लगेगी। और ये बैक साइड का बुश है जिसके अंदर तीनों, जो एक तो चूड़ी डालने वाला सक्रियो लगेगा, और दूसरी जो रॉड है एक्स वाली वो लगेगी, और तीसरी रॉड है जो इसको जो हम चला रहे हैं जब से रिवर्स फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको गाइड करने के लिए इसके अंदर फिट रहेगी, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हमने इसके अंदर जो चूड़ी डालने वाली रॉड है और दूसरी जो चाल को चलाने वाली रॉड है वो दोनों डाल ली हैं, गियर के अंदर डाल लिया उसको, और इसको जो चूड़ी डालने वाली है, इसको जो चूड़ी डालने वाला ये मैकेनिज्म है, तो ये नट होता है दोस्तों, जब भी हम इसको क्लैंप करते हैं तो जब ये चूड़ी को पकड़ लेता है, तो चूड़ी पकड़ लेता है तो जब ये घूमता है तो इससे हमारी ये थ्रेड है या चूड़ी जो भी हमने काटनी होती है, जो पीछे गियर लगे होते हैं गियर बॉक्स में, उसके हिसाब से हम सेटिंग करके इससे चूड़ी जो है काटते हैं। तो ये इस तरह से अंदर होता है मैकेनिज्म, जब ये फिट हो जाएगा तो थोड़ा दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसका आपको थोड़ा मैकेनिज्म दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। देखिए एक रॉड है, एक लीवर है, जब भी हम उसको अप डाउन करते हैं तो ये इसके अंदर दोनों जो नट के हाफ कटे हुए दो पीस हैं उनको आपस में जोड़ता है, और
जैसे ही इसको हम अप डाउन कर रहे हैं तो एक ये देखिए पिन दिखाई दे रही होगी आपको। अगर एक टाइम एक ही गियर लगेगा ताकि दूसरा गियर ना लग जाए, कहीं चाल वाला गियर ना लग जाए, तो दोनों को अलग अलग करने के लिए सिस्टम बना रखा है इसके अंदर। अभी हम इसको फिट कर रहे हैं और ऊपर से जो आप पाइप देख रहे हैं तो ये इनको ऑयल देने के लिए है, इसकी बॉडी को अंदर जहाँ भी ऑयल देना हो तो ये अंदर से ही ऑयल उठा लेता है। इसके अंदर ही पंप लगा होता है तो इसका मैकेनिज्म इसके अंदर ही है सारा। तो अभी हम इस गियर बॉक्स को पूरा फिट कर रहे हैं स्लाइड के साथ, और इसके साथ चार एल की बोल्ट लगेंगे और चार दो लगेंगे इसके साथ डावल, ताकि इसकी जो लाइनमेंट है वो थोड़ी सी भी टेढ़ी ना हो, नहीं तो ये कैरिज चलने में थोड़ा दिक्कत करेगा क्योंकि इसने आगे पीछे स्लाइड करना है। और जो हमने गियर अभी नया डाला है तो वो आगे जो आपको दांते लगे हुए दिखाई दे रहे हैं उनके साथ मैच होकर चलेगा, नहीं तो ये अप डाउन टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो डावल पिन और चारों बोल्ट इसके बिल्कुल प्रॉपर टाइट होने चाहिए। तो इसको अभी हम चारों बोल्टों को इसके अंदर लगाने के बाद अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, और टाइट करके जब हम आगे पीछे चलाएंगे तो ये हमारा कैरिज है सारा, ये आगे पीछे चलेगा। तो आगे के बोल्ट भी हमने टाइट कर दिए और पीछे के भी, वो आपको अंदर दिखाई दे रहा होगा जो चूड़ी वाला नट कह रहा था। यहाँ से चूड़ी की सारी चार्ट लगा हुआ है जिससे हम सेटिंग करते हैं कि कितने नंबर चूड़ी डालनी है। तो ये नीचे से मैं दिखा रहा हूँ, नीचे से इसके कुछ भी नहीं है खाली, और इसके साथ हैंडल हमने खोल लिया था। और हैंडल के बाद अभी हम ये चूड़ी वाला जो आप दिखा रहे थे स्क्रू, तो दोस्तों ये आगे इस तरह से कुछ फिट रहता है ताकि अगर कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए, इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है ताकि इसको फ्री कर दे, अगर हम चूड़ी डालते डालते हमारा जो टूल है या फिर चक्के के साथ लड़ जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो इसको रोक दे जब जब इसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से ये फिट होगा उसके साथ अलग से, ये उसके साथ मैकेनिज्म इस तरह से बना रखा है, एक लेदर प्लेट सी लगा रखी है थोड़ी सी, वो स्लिप मार देगी। इसी तरह से ये हमारी जो चाल है, चाल के लिए भी आगे देखिए जो आपको चार स्टेप कटे हुए उसके अंदर ये वाले जो स्प्रिंग है इसके अंदर बॉल लगेगी, और जब कभी लोड पड़ जाएगा ज़्यादा बड़ा कट लग जाएगा तो ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, जहाँ हमारा चाल चलते चलते आगे जाके चक्के के साथ लड़ ना जाए, तो उसको रोकने के लिए ये फ्री कर देता है इसको ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो। कुछ इस तरह से स्प्रिंग डालने के बाद एक एक इसके अंदर चारों में एक एक स्प्रिंग लगेगा, स्प्रिंग के बाद एक गोली लगेगी। इसी तरह से हम चारों की तरफ मतलब एक एक गोली लगा देंगे, और बैक साइड इसके चूड़ी दे रखी है जिससे हम इसको जब इसके अंदर फिट करेंगे तो टाइट करेंगे कि हमने कितना लोड तक इसको चलाना है। इस तरह से ये फिट होगा जो मैंने अभी आपको लगा के दिखाया। और अभी हम इसको रॉड के साथ फिट कर रहे हैं इस बोझ को, और बाहर से हमने अभी फिट करने के बाद ये देखिए स्क्रू हम लगा रहे हैं। जब हम स्क्रू को टाइट करेंगे तो गोली आगे जाके वो कट के अंदर जाके लग जाएगी, अगर कभी ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वहाँ से स्लिपिंग कर देगी, और इससे ना तो कोई गरारी टूटेगी और ना कोई दिक्कत आएगी हमें। तो इस तरह से ये बोल्ट हैं, तो इनकी सेटिंग देख लेनी है आपने, कितना बड़े तक आप कट लगाते हैं तो उसी हिसाब से इसके जो एल की बोल्ट हैं ये वाले तो उनको टाइट कर देना है। तो इस तरह से ये कुछ फिट हुआ दिखाई देगा आपको, ताकि आगे गियर बॉक्स पे भी कोई ज़्यादा लोड ना पड़े। और ये बैक साइड का बोश है जो मैंने आपको थोड़ा पहले दिखाया था, और ये तीनों रॉडों को क्लैंप करके रखा है क्योंकि लंबाई काफ़ी होती है, हर एक लेथ मशीन में ये लगा होता है ताकि ये रॉडों को थोड़ा गाइड करके रखे, क्योंकि लंबाई को थोड़ा संभालना मुश्किल है जब रॉड ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो इसके अंदर थर्च बैरिंग लगे होते हैं, तो थर्च बैरिंग का भी आप ध्यान रखें, वो ख़राब नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर बुश भी लगा होता है, कईयों के अंदर निडल वायरिंग भी लगे होते हैं, तो अलग अलग खरादों के अंदर थोड़ा बहुत फंक्शन का फ़र्क हो सकता है इसके अंदर। अभी हम इसको फिट करेंगे, इसके साथ भी एक एक डावल लगी हुई है और दो बोल्ट लगे हैं इसके साथ। और इनको फिट करने के बाद जो हमारी तीन रॉडे हैं, चूड़ी डालने वाली और स्लाइड को चलाने वाली और अप डाउन करने वाली, वो लगा दी है। लगाने के बाद अभी हम खराद का ट्रायल ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हमारी जो चाल है वो प्रॉपर चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो देखिए चक्का चल रहा है और ये अभी चल रही है जो मैंने पहले आपको दिखाया सारा कुछ सिस्टम लगाते समय। और ये बैक साइड का बुश भी है, तो इसको भी हमने फिट करके लॉक कर दिया है वहाँ से। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी मैकेनिकल की वीडियो हम लाते रहें आपके लिए।